नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एयरटेल यूजर्स के लिए काफी बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिए थे कि वह अपने सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान पर SMS सुविधा को चालू करें। तो मैंने आप लोगों को सुबह को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को बताया था जियो, एयरटेल और VI ने अपने सबसे सस्ते SMS प्लान को लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब एयरटेल ने अपने 99 रुपए वाले प्लान में अपडेट किया है, तो वहीं एयरटेल ने अपने सिम कार्ड यूजर्स को झटका दिया है। क्या है पूरी खबर, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इन प्लान के बारे में क्या बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एयरटेल के 99 रुपए वाले प्लान पर क्या अपडेट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि 99 रुपए वाले प्लान में आप SMS भेज पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अलग से 10 या उससे अधिक का टॉक टाइम कराना होगा। लेकिन दोस्तों, आज ही एक अपडेट आया है एयरटेल की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं कराना होगा। आप 99 रुपए मात्र से रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको 99 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा, जिससे आप कॉलिंग और SMS दोनों का बेनिफिट ले पाएंगे। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है, जिसमें आपको 200 MB डेटा भी मिलता है। अब बात करते हैं की दूसरी अपडेट। तो दोस्तों, दूसरा अपडेट एयरटेल की तरफ से यह निकल कर आ रहा है, एयरटेल का 19 रुपए वाला रिचार्ज प्लान, जिसमें 2 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 200 MB डेटा दिया जाता था, उस प्लान को कंपनी ने बंद कर दिया है। यह एयरटेल का सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान था, जिसको कंपनी ने पूर्णतः बंद कर दिया है। तो दोस्तों, एयरटेल ने इस प्लान को क्यों बंद किया है? जैसा कि आपको पता है कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि टेलीकॉम कंपनी अपने सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान पर SMS बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, तो एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान 19 रुपए का था, तो उसने अपने इस प्लान में SMS बेनिफिट ना देते हुए यह बेनिफिट्स 99 रुपए वाले प्लान में शिफ्ट कर दिए हैं, जिसमें SMS की सुविधा दी गई है। तो इस वजह से कंपनी ने 19 रुपए वाले प्लान को बंद कर दिया है। अगर बंद नहीं करता तो एयरटेल को इस प्लान में भी SMS बेनिफिट्स का लाभ देना पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करनी थी। क्या आप 19 रुपए का रिचार्ज प्लान कभी कभी रिचार्ज कराते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।